हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ कालिका धाम, और ये पड़ता है सेवापुरी में, विच इज इन वाराणसी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूं और माता रानी के दर्शन करवाऊं। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर, और मैं वहां चल के आपको वहां का सिग्निफिकेंस बताऊंगी। पर उसके पहले एंजॉय सम व्यूज ऑफ द रूट। रास्ता तो बहुत प्यारा था, आपको खूब ग्रीनरी मिलेगी, बड़े बड़े फार्म्स दिखेंगे। मेन वाराणसी सिटी से कालिका धाम पहुंचने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है। मस्त एंजॉय करते देखते देखते ही देखते मैं पहुंच गई मंदिर। तो आपको मंदिर के बाहर ये छोटा सा मार्केट दिखेगा, जहां से आप फूल माला प्रसाद खरीद सकते हो। बच्चों के खेलने के लिए छोटे मोटे खिलौने भी मिलते हैं यहाँ, जो आपको ज़्यादातर हर बड़े मंदिर के बाहर मिल ही जाता है। मैंने ले लिया है माता रानी को चढ़ाने के लिए फूल, चुनरी और नारियल, और अब चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। गाइस, तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, और आपको लेके मैं अंदर चलती हूँ। आगे व्लॉग में आप देखेंगे कि ये बच्चे लकड़ी वगैरह लेके अंदर क्यों जा रहे थे मंदिर में। एंटर करते ही मैंने इन अंकल को देखा जो एक मटका लेके बैठे हुए थे। मटके में मैंने जब अंदर देखा तो ये सांप लेके बैठे हुए थे। अंकल ये बताइए, आप सांप लेके क्यों बैठे हैं मंदिर के बाहर? अच्छा, पर ये तो माता रानी का मंदिर है ना? तो बात करते ही करते एक छोटा सा सांप मटके से बाहर भी निकल गया। ये काटते नहीं होंगे ना अंकल? तो एंटर करते ही भोलेनाथ जी के दर्शन तो हो गए, और अब अंदर चलते हैं। तो गाइज, ये है माँ कालिका धाम मंदिर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगी पंडित जी के ज़ुबान से यहाँ की महत्वता। अब अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। तो बीच में है माँ कालिका का मेन मंदिर, राइट साइड में है शिव जी का मंदिर, और लेफ्ट साइड में है एक एरिया जहाँ बैठकर आप ध्यान कर सकते हो, और यहाँ कभी कभी शादी वगैरह के फंक्शंस भी होते हैं। ये जो आप ज़मीन पर बड़े बड़े मार्क्स देख रहे हो, ये इसलिए हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये बनाए गए थे, ताकि लोग आराम से डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दर्शन कर सकें। गाइस, अब अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ जनरली फ़ोटोज़ और कैमराज अलाउड नहीं होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे बैठे माँ के दिव्य दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो गाइस, मैंने दर्शन बहुत अच्छे से किए और आपको भी दर्शन करवाया, इसी बात पर लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और अब दर्शन के बाद मैं कर रही हूँ परिक्रमा मंदिर का। मेन मंदिर के अंदर दिया बत्ती जलाना अलाउड नहीं है, इसलिए लोग अपने श्रद्धा के अनुसार इस गेट पर यहाँ दिया बत्ती जलाते हैं। पंडित जी, हम लोग बनारस से आए हैं कालिका माँ का दर्शन करने के लिए, तो कालिका माँ का महत्वता बताइए हमें। यहाँ माँ जो है उसी ब्राह्मण के द्वारा इनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। अच्छा। ये अपने से निकली है। फिर इसके बाद में माँ जो है, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भक्ति और श्रद्धा होना चाहिए। अगर माँ के साथ भक्ति और श्रद्धा आप करके जब आएंगे, तो आपकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करेंगे। ये मंदिर जो है 2065 साल का है, बहुत पुराने मंदिर है, और आज यहाँ देखिए बड़ी भव्य मंदिर हो गई है। सही बात है, बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। थैंक यू पंडित जी। गाइस, मेन गर्भगृह के बाहर शिव भगवान का ये एक छोटा सा मंदिर भी है, तो आपको शिव भगवान के भी दर्शन करवाती हूँ। इसके बाद दूसरे पंडित जी ने मुझे चंदन का टीका लगाया कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए। तो गाइस, बड़े लोगों को तो पता ही होगा, पर मेरे यंगर जनरेशन व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि टीका लगाने का, मौली बांधने का रिलीजियस महत्वता के साथ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। जैसे हमारा माथा हीट जनरेट करता है क्योंकि हम लोग इतना सोचते हैं, तो चंदन लगने से हमारे फोरहेड को सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है,
ठंडक देता है। इसी तरह कुमकुम जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है हमारे स्ट्रेस को और थकावट को कम करता है। इसीलिए हमारे कल्चर में पीढ़ियों से टीका लगाने का सिस्टम चला आ रहा है। टीका लगाने के बाद पंडित जी ने मुझे मौली बांधा। मौली बांधने से हमें पॉजिटिविटी मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलता है। तभी तो मैं कहती हूँ हमारा देश महान और हमारा कल्चर महान। तो गाइस कहते हैं कि जब देवी सती यज्ञ कुंड में कूद गई थी गुस्से में अपने पिता से, तब शिव भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने तांडव स्टार्ट कर दिया था। तब शिव जी के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र से देवी सती के बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जो धरती पर बहुत जगह पड़े और इन स्थानों को कहते हैं शक्तिपीठ। पर गाइस कालिका धाम एक सिद्ध पीठ है, तो यहाँ कहा जाता है कि हर एक मनोकामना लोगों की पूरी होती है। गाइस मंदिर में ही पीछे की तरफ आपको ये बड़ा सा वरांडा दिखेगा जहाँ लोग प्रसाद बनाते हैं। मैं गई थी सावन के महीने में और लोग यहाँ आकर पुराने स्टाइल में चूल्हों पर या स्टव पर पूरी और हलवा का फ्रेश प्रसाद बनाकर माँ कालिका को चढ़ाते हैं। अब आप देखिए कुछ स्नैप्स फूली फूली पूरियों के। और यहाँ मैंने बहुत टाइम बाद हैंडपम्प देखा, तो मैं हैंडपम्प से पानी निकालने लगी प्रसाद में कुछ हाथ बटाने के लिए। यहाँ बन रहा है आटे का हलवा माता रानी को चढ़ाने के लिए, और अब मैं आपको ले चलूँगी मंदिर के बाहर। तो यहाँ मैं आ गई श्री राम जी मिष्ठान भंडार, जो है मंदिर के जस्ट बाहर वाले मार्केट में, जहाँ बने हुए थे गुलाब जामुन और फ्रेश समोसे छन रहे थे। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की मिठाई तो ज़रूर टेस्ट करती हूँ, तो मैंने ले लिया है गुलाब जामुन और यहाँ पर लोग समोसे खा रहे थे। चलिए अब टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन। आई मस्ट से बिल्कुल फ्रेश था और बहुत टेस्टी गुलाब जामुन थे। गाइस मिठाई की दुकान से निकलते ही मुझे दिखा ये दुकान जहाँ फ्रेश गट्टे बन रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि गट्टे कैसे बनते हैं और ये लोग हाथ से कितने अच्छे स्पीड पर काट रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिसे भी पता है कि गट्टे होते क्या हैं। गाइस तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए और अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।